हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आ गए हम, ये वीक का लास्ट वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में देखेंगे। मैं आपको ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। आपको एक पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते कैसे, हम एक्चुअल में ऑनलाइन बाइंग करेंगे, कुछ गुड्स परचेस करेंगे, ओके, एंड एज वेल एज थियोरी का पार्ट भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग आपका ये जो टॉपिक है वो आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल टॉपिक था, फिफ्थ वाला टॉपिक, ओके। सो अगेन वो जो आपका प्रिपरेशन, मैंने जो बोला था टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, जल्द ही होगा। आपके पेपर्स भी लगभग आधे से ज़्यादा मेरे चेक हो चुके हैं, वो भी मैं जल्द ही आपको एक दो दिन में अभी मतलब सबको सेंड कर दूंगा चेक करके, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो वीडियो आ रहा है इसमें कुछ थोड़ा बहुत अभी नया नया ट्राई किया है, थोड़ा बहुत आवाज़ इधर उधर का आएगा आपको, लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को, लेकिन उससे पहले और एक बात, होमवर्क सेंड करना है। जो वीडियो जिन्होंने देखा नहीं, देखना है। अगर जो भी पास्ट वीडियो देखने बाकी है वो भी देखना है। देन उसके बाद में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि इन जिन्होंने इस वीक का होमवर्क अभी तक भेजा नहीं, किसी ने भेजा है लेकिन पार्टली कंप्लीट है, तो उनको भी रिक्वेस्ट है कि फटाफट देख के होमवर्क कर लो और फटाफट होमवर्क भेज दो, ठीक है। तो फिर आपको नहीं तो कॉल आ जाएगा मैम का, पता है आपको, ओके। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसा होता है वो देखने वाले। लगभग सबको आता है, बहुत से स्टूडेंट्स को आता है, बट फिर भी जो जिनको नहीं आता या फिर कुछ तो नया आपको सीखने को मिलेगा, जिनको आता है उनको भी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, तो चलो ओके। तो देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम ओपन करेंगे गूगल का पेज, मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत करके रखा है पेज ओपन, ठीक है। तो क्या करेंगे गूगल पे जाके, तो गूगल को जाके बोलेंगे amazon.com, राइट। अमेजोन पे से बाइंग करेंगे हम आज, ओके। सो amazon.com टाइप करेंगे, ठीक है। देन टाइप करने के बाद में ओके एंटर जो भी दबाना है दबा देनेगा, ओके। देन आगे मैंने ऑलरेडी ये पेज ओपन करके रखा था, वो अपना इंटरनेट बहुत फास्ट है ना, इसके लिए मेरे को करके रखना पड़ा था, मैंने पहले ही प्रोसेस करके रखा था पूरा। अच्छा, तो यहाँ पर जब भी आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे सामने दिख रहा है आपको अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, राइट। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अभी मेरा ऑलरेडी रजिस्टर था क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट बायर हूँ, तो आपको भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरे इसमें ओके कि यहाँ पर लॉग इन कैसे करना है, ठीक है। तो अकाउंट्स में जाओ, 2 मिनट में पहले साइन आउट कर लेता हूँ, ओके। देन साइन आउट करने के बाद 2 मिनट लोड हो रहा है, ओके। हाँ चलो, तो ये साइन इन का आ गया पेज, ओके। इसके ऊपर अभी ऑलरेडी मेरा लॉग इन डिटेल्स वहाँ पर रजिस्टर्ड था, इसके वजह से मैं वो रजिस्टर्ड डिटेल्स डाल रहा हूँ। लेकिन नीचे वहाँ पर क्रिएट योर ओन अमेजोन अकाउंट बोल के भी एक ऑप्शन है, तो हम उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे और खुद का अकाउंट कैसे ओपन करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं कोई अमेजोन का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको एक बता रहा हूँ एक कि ऑनलाइन बाइंग कैसा होता है, ऑनलाइन परचेस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट डालने के बाद आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उनको देनी पड़ती है। अभी ये क्यों देनी पड़ती है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एट दी एंड जब मैंने प्रोसेस बताया है थ्योरी पार्ट में, सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के, तो आपको दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो वो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। देन ये इंटरफेस पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जो आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो, राइट। अभी अमेजोन के पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ वो अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम बाय करेंगे, मेरे जो स्टाइलस है ना, वो जो पेन था अपना, ओके, उसके लिए ना सेल ऑर्डर करेंगे, बैटरी खत्म हो गई उसकी, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ, सर्च में सेल फॉर HP पेन, ओके, उसको 4xA पेन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो सेल था मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। वो प्रोडक्ट ओपन हुआ तो उसकी डिटेल्स आपको सामने दिख जाएगी, आपकी डिटेल्स भी वहाँ पर आपने ऑलरेडी भरी थी, आपका एड्रेस वगैरह आपने ऑलरेडी रजिस्टर करवाया था। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या डिटेल्स है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स मैंने देख ली, मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, वो डिलीवरी हो सकती है। डिलीवरी चार्जेस ले रहे साले 90 रुपये, हाँ देना तो पड़ेगा। तो बाय नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अभी लोड हो रहा है, ओके। सो प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑर्डर यहाँ पर दिख रहा है। तो
जैसे कि अभी यहाँ पर जो विंडो ओपन हुआ है इसके अंदर अपने को पेमेंट ऑप्शंस कौन सा सिलेक्ट करना है वो दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेवरेट अपना सीओडी होता है, लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सीओडी बंद है। तो यहाँ पर अलग अलग कार्ड्स वगैरह अवेलेबल है कि जिसके थ्रू आपका पेमेंट कर सकते हो, अलग अलग प्लास्टिक मनी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग है, बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो हमेशा नेट बैंकिंग को ही प्रेफरेंस देता हूँ। एज वेल एज जो नया अभी आजकल टेक्निक चालू है UPI ID। अब जैसे कि मैं एक UPI ID टाइप कर रहा हूँ, मेरा ये खुद का UPI ID है 8149331008@UPI। ओके, तो वेरीफाई करके फिर आप UPI से, मतलब आपके ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी मेरे रजिस्टर्ड कुछ बैंक अकाउंट्स है वो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो मैं चूज करता हूँ नेट बैंकिंग। अभी नेट बैंकिंग मतलब क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग, ये हम पढ़ने वाले हैं, ये भी आपको सिलेबस में है। लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा ऑनलाइन बैंकिंग घर पे बैठे बैठे, मतलब इंटरनेट बैंकिंग, राइट। तो नेट बैंकिंग में अलग अलग बैंक्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका आपके पास होना चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। तो अभी मेरे पास तो है, तो मैं मेरे बैंक को सर्च कर रहा हूँ। मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलरली सब मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ नहीं दिख रहा ना यार, हाँ, ये आ गया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो पे ऑन डिलीवरी भी देखो अवेलेबल यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं है, इसलिए अभी हम आगे चल के कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो ऑर्डर को मैं कंटिन्यू के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर डिटेल्स दिख रही है, आपका एड्रेस वगैरह दिख रहा है, एंड सब चार्जेस वगैरह, ऑर्डर समरी आपको दिखेगा। एंड जब आप प्लेस योर ऑर्डर एंड पे के ऊपर क्लिक करोगे तो पेमेंट विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है कि कितना प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, सारी चीजें, ठीक है, और प्राइस कितना है। तो प्लेस योर ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको बताना था कि एड्रेस के बारे में। तो थोड़ा सा 2 मिनट, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बैक लेते हैं। तो ये पेमेंट विंडो ओपन हो रहा है, लेकिन मैं इसको बैक लेता हूँ, देखता हूँ कि वो 2 मिनट, ये बैक लिया मैंने, देखते हैं बैक लेके क्या हो रहा है। ओके, वो प्रोडक्ट नहीं आ रहा, फिर से हम बाय करेंगे, ठीक है। मेरे को बस एड्रेस के बारे में आपको बताना था। तो हम क्या करते हैं, फिर से बाय करते हैं वो प्रोडक्ट, मेरा वाला जो प्रोडक्ट था अपना बैटरी। ओके, ये कट करता हूँ मैं। ओके, बैटरी के ऊपर फिर से जाता हूँ। ओके, उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, देख लिया क्या है प्रोडक्ट, एड बाय नाउ कर लिया मैंने। ओके, मेरे कार्ट में ऑलरेडी एड हो चुका है वो, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक कर दिया मैंने, डिलीवरी डेट दिख रही है मेरे को 6 जून, वहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, देन आगे यहाँ पर मैंने पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, मैंने मेरा बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, एंड कंटिन्यू किया, राइट। देन कंटिन्यू करने के बाद, अरे होना जल्दी। ओके, अभी यहाँ पर देखो, वहाँ पर शिपिंग एड्रेस दिख रहा है आपको, राइट। शिपिंग एड्रेस मतलब क्या होता है, शिपिंग मतलब जहाँ पे मतलब डिलीवरी आनी है उसका एड्रेस दिया है। तो वो एड्रेस आपको, अब मैंने तो ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा था क्योंकि मैंने पहले भी ऑर्डर दिया है उनको, तो वो एड्रेस आप चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, मतलब किसी को गिफ्ट देना है तो उसका भी एड्रेस डाल सकते हो। तो प्लेस ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी पेमेंट विंडो ओपन होगा। अब पेमेंट कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, इंटरनेट बैंकिंग का यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर पर्सनल हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकती है, ये अलग अलग ऑप्शन, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी वगैरह का अकाउंट होगा। ओके, तो यहाँ पर यूजर नेम डालना है, अभी ये बैंक के थ्रू आपको मिलता है, मैं मेरा यूजर नेम डाल रहा हूँ। देन पासवर्ड है, पासवर्ड तो मैं नहीं बताऊंगा, चलो ओके पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, मेरा मेरा। ओके, पासवर्ड डाल दिया, फिर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, और क्या करेंगे, ठीक है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही मुझे एक विंडो आएगा जहां पर मैं आपको आपको दिख रहा है डिटेल्स की 182 रुपीज मेरे को पे करना है। ओके, मेरे पास अमेजोन पे के वॉलेट में भी बैलेंस था, वो भी डिडक्ट हो चुका है इधर डायरेक्टली। ओके, देन पेमेंट पे मैं कंफर्म करता हूँ तो आया हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, दैट इज वॉट, दैट इज मुझे OTP डालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें यहाँ पर ऊपर जो मर्चेंट डॉट ऑनलाइन SBI दिख रहा है ना, उसके बाजू में देखो एक लॉक दिख रहा है आपको। ओके, वो क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ओके, वो लॉक वाला सिंबल क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं OTP डाल दूँ। ओके, OTP डाल दिया मैंने, अभी करूँगा कन्फर्म, राइट। OTP डाल दिया, पैसा चले गया, ठीक है, आ गया ये ग्रीन कलर का सिग्नल, राइट वे आ गया, देखो। तो अभी पैसा मेरा चले गया है मेरे अकाउंट से, वो सेलर के पास चले जाएगा, एंड देन अब सेलर गुड्स मेरे को सेंड करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स उसको पैसा देना पड़ेगा तभी तो आएगा। ओके, अभी ये डायरेक्टली रिट्राइव हो गया पेज, इसके ऊपर लिख के आया थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, राइट, मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ आ चुका है, ठीक है।
सो होप्स आपको समझ में आया कैसे क्या है। लेकिन यहाँ पर देखो आपके ऑर्डर डिटेल्स आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो, अभी उसको देखो यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हो, कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो, ओके, और अचीव भी कर सकते हो ऑर्डर को। एंड एड्रेस वगैरह आपको चेक करना है वापस, किसको वगैरह एड्रेस चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट ने पहले बाय किया होगा, ओके, तो उनके लिए भी ये अच्छा है, ओके। सो आगे खत्म करते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो होप सो आपने देखा ये वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत ऑनलाइन बाइंग कैसा होता है क्या होता है। एक छोटा सा सिंपल मेरे को लगा था एग्जांपल देना था आपको, ओके, तो मैंने दिया है। आगे अभी हम देखेंगे इसकी थियोरी, टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी थियोरी का पार्ट है वो अपन कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो इसमें हम देखने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसमें देख रहे थे मीनिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इट कांट टेक विदाउट प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है ना यार, ऑनलाइन तुमको परचेस करना है तो तुम विदाउट इंटरनेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा आजू बाजू का आवाज आता होगा तो इग्नोर मारो, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो चाहिए हमारा, वो है हमारा जो हमें इंटरनेट का कनेक्शन है, ओके। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑकर्स व्हेन प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू द इंटरनेट, राइट। जब ऑनलाइन परचेस होता है, बाइंग एंड सेलिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑनलाइन होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है, ओके। आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर दे रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर दे रहे हो, मिंत्रा पे कुछ ऑर्डर दे रहे हो, क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आजकल जो सब कुछ चालू है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, राइट। तो होते कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो प्रोसेस में सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। देखो थोड़ा फास्ट होता हूँ तो वीडियो स्लो करके देखना, मैं बहुत फास्ट फास्ट बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सिंपल सा हमने देखा वो वीडियो में, अमेजोन के ऊपर पहले लॉग इन करने से पहले अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है, मतलब रजिस्टर करना पड़ता है सेलर को, सेलर के पास, किसको, बायर को। बायर रजिस्टर करेगा सेलर के पास, क्यों करेगा भाई, तो बायर जेन्युइन है या नहीं वो चेक करने के लिए, ठीक है। अभी सेलर तो गुड्स भेजने वाला है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट गुड्स भेज किसको रहा है वो भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो सेलर की डिटेल्स वहां पर रिक्वायर्ड होती है, क्या डिटेल रिक्वायर्ड होती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, राइट, और कुछ भी नहीं है। फिजिकल टच तो वहां पर होता ही नहीं, हमने देखा लिमिटेशंस में कि यहाँ पर आपको फिजिकली किसी को मिलना ही नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा, ठीक है। सो पता ही नहीं होता बायर कौन है सेलर कौन है, लेकिन डिटेल्स वहां पर देना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। द कस्टमर नीड टू लॉग इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट विथ हिज ईमेल आईडी, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एड्रेस फॉर डिलीवरी एंड अदर बेसिक डिटेल्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बेसिक डिटेल्स, नाम वगैरह जो भी है, बर्थ डेट वगैरह रिकामा चीज है वो देनी पड़ती है, ठीक है। जो भी बेसिक डिटेल्स रहेगी वेबसाइट की, वेबसाइट वाइज वो वराय होते जाता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। सो आगे देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करना, मतलब हमने देखा ना अभी कार्ट में, हमने वो वीडियो वीडियो में जो सेल जो परचेस कर रहे थे, ओके, हमारे स्टाइलिस्ट के लिए, तो हमने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद में फिर उसका ऑनलाइन प्लेसिंग ऑर्डर जो है हमने प्लेस किया। प्लेस करते समय पहले पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया एंड देन फिर ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है, क्योंकि पहले चेक तो करेंगे ना हमें क्या करना है, क्या ऑर्डर देना है, ठीक है। द सेकंड स्टेप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज टू प्लेसिंग एन ऑर्डर। व्हेन कस्टमर लाइक्स अ प्रोडक्ट देन ही और शी पुट्स द प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट, ठीक है। शॉपिंग कार्ट इज अ प्लेस वेयर कस्टमर्स कैन सी हिज ऑर्डर डिटेल्स लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ परचेस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर डिटेल्स। द बायर देन प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट, ओके। जो भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर देना है, एक प्रोडक्ट देना है, एक ही आपके कार्ट में आएगा, एक से ज्यादा है तो आपके कार्ट में आएगा, देन आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आप पेमेंट विंडो के ऊपर जाओगे। थर्ड स्टेप जो है हमारा वो क्या है, क्या है रे, अरे आना, हाँ, पेमेंट, ओके। सो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड स्टेप हमारा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। उसके सिवाय बायर आपको गुड्स ही नहीं देगा, सीओडी में देता है, क्योंकि अभी ट्रस्ट और वो जो वेबसाइट का जो क्या बोलते हैं ना, वेबसाइट का जो इमेज है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ अगर आप वेबसाइट देखोगे, जो प्राइवेट वेबसाइट होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी में आते हैं ना, स्वाइप अप करो, ये करो, वो करो, तो वो जो वेबसाइट्स होते हैं ना उसके अंदर पेमेंट पहले ही लेते हैं।
वो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही आगे वो ट्रांजेक्शन करते, क्योंकि वो बड़े वेबसाइट नहीं है, बट अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ये ऐसे वेबसाइट है कि इन्होंने बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया है, या ऐसे सेलर से जिनका बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो वो आपको मोबाइल फोन की डिलीवरी सीओडी के ऊपर भी देते हैं, लेकिन वो भी होशियार होते हैं। सीओडी जब होता है ना, प्रोडक्ट आप खोल नहीं सकते हो, पहले पेमेंट करो फिर आपको प्रोडक्ट खोलने के लिए मिलेगा, ये ऑप्शन ये होता है, अगर आपके किसी ने ऑनलाइन परचेस किया होगा तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। सो पेमेंट, it is a last step of online transaction. The buyer has to select the payment option. This payment system are secured with very high level of encryption. Off a wapay wo app dikh raha hai, theek hai. The personal financial information is completely secured. Okay, ye sabse important cheez hai. ये जो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो ना, उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, ओके okay, तो सिक्योरिटी मोस्ट ऑफ द केस में जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर्ड ही रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे गूगल पे, जब आप सर्च करोगे, जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हो ना, तो वो जो वेबसाइट होती है उसको वो जो है ना सिक्योर्ड होती है। अगर उसका एड्रेस देखोगे, वेबसाइट का एड्रेस जहां पर आपको पेमेंट करना है, तो वो HTTPS होता है आगे, HTTP यानी कि हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और उसके आगे S लिखा होता है, मतलब सिक्योर्ड होता है, और एक लॉक का ऑप्शन होता है। ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड का जो भी है वो क्या बोलते हैं, आपको समझ में आता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं, उसकी वजह से जो हैकर्स होते हैं वो हैक नहीं कर सकते। आगे तो फॉलोइंग आर सम वेज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के मेथड्स या फिर तरीके कौन से वो हमने देखा भी, प्लास्टिक मनी है यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, या फिर हम बात करते हैं नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, या फिर जो डिजिटल कैश है, चेक मेथड है, या फिर हम बात करें जो हमारे ई वॉलेट्स है आजकल जो चल रहे, पेटीएम करो, देन उसके बाद में फोन पे है, भीम है, अलग अलग है, ओके गूगल पे है, ये अलग अलग जो ऑफर्स ज़्यादा अच्छे देते हैं एंड रिवार्ड्स भी अच्छे से देते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग ऑप्शन आपके पास भी अवेलेबल है, तो देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहला दिया है COD, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। सो कैश ऑन डिलीवरी मतलब प्रोडक्ट घर पे आएगा, प्रोडक्ट आप एक हाथ से लोगे और पेमेंट एक हाथ से दोगे। पेमेंट कैसे करोगे, कैश में दे सकते हो या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हो, उसके पास स्वाइप मशीन होता है, ओके। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर पे व्हेन ही और शी रिसीव द प्रोडक्ट, द पेमेंट इज मेड डोर स्टेप, द कस्टमर कैन पे इन कैश और डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, और ये सबसे सिक्योर्ड वे है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी ये सिक्योर्ड वे है। सीओडी अगर होता तो मैं तो आके बंद करके सीओडी अगर होगा तो पेमेंट करता हूँ, लेकिन आपको वो बताना था मेरे को, इसके लिए मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, सेल ऑर्डर कर दिया, नहीं तो मैं कभी नहीं करता ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। सीओडी है तो ही, नहीं तो जाओ घर पे, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी जरूरी है बॉस, ओके। अब जब आपको पेमेंट, आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो सिक्योरिटी होना जरूरी है, आपने को तो भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर, ठीक है। तो सीओडी ये बेस्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन परचेसिंग के लिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है चेक। चेक पता है ना आपको, एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर बैंक आपको देती है, जिसका भी बैंक अकाउंट है उसका वो चेक बुक होता है, एंड चेक बुक पे ऊपर आपको सिग्नेचर करके अगर सामने वाली पार्टी का नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है, देन वो आप सामने वाली पार्टी को दोगे, मतलब वो सामने वाला पार्टी फिर अपने अपने बैंक के पास जाएगा, वो डिपॉजिट करेगा, देन वो बैंक आपके बैंक से पैसा मंगेगी, एंड देन फिर वो ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस में कैसे होगा, आप पहले सेलर को चेक भेजोगे, देन वो चेक रिटर्न चेक क्लियर होगा, और फिर वो आपको जो भी गुड्स की है वो डिलीवरी देगा। देखो यहाँ पर बोला है, इन दिस केस बायर सेंड चेक टू द सेलर एंड सेलर सेंड गुड्स आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ चेक। थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है, इग्नोर मारना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ओके। नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन मैंने अभी आपको बताया, SBI से मैंने पेमेंट किया, जिसके अंदर आपके आप आपके घर पे बैठे बैठे बैंकिंग कर सकते हो, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो रियल टाइम, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम buyer's account to seller's account online. After payment received by the seller, the goods are dispatched by the seller to buyer. Okay, goods जो है वो buyer को भेजे जाते हैं सेलर के थ्रू। पहले पेमेंट होना चाहिए, अभी आपने सेल का पेमेंट हो गया, तो सेल का पेमेंट होने की वजह से अभी गुड्स अपने को भेज रहा है, वो 6 जून को भेजने वाला है साला, ओके बहुत टाइम ले रहा है, हो सकता है कोरोना, ठीक है। ये है बहुत चालू है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत पेशेंट मिल रहे हैं, तो ठीक है कोरोना गो, ओके। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेट बैंकिंग हो गया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है।
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये प्लास्टिक मनी, आपको पता है आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, एक छोटा सा कार्ड होता है जिसके ऊपर कार्ड नंबर होता है, आपका नाम होता है, पीछे से CVV कोड होता है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी प्लास्टिक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मेरे पास दोनों भी है, ठीक है। द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बायर्स अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी, मोस्टली यूज इन ऑनलाइन पेमेंट्स। ओके, ऑनलाइन पेमेंट्स या फिर अगर आप आपका डेबिट कार्ड अगर स्वाइप कर सकते हो, ओके, अलग अलग कंपनी के होते हैं, वीजा होता है, रुपे होता है, मास्टर कार्ड होता है, अलग अलग वगैरह वगैरह कार्ड होते हैं, हमें देखना है ये भी, फोर्थ टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ओके, कार्ड स्वाइप भी हो सकता है या फिर बात करते हैं हम तो उसकी डिटेल्स डाल के ऑनलाइन भी पेमेंट हो सकता है और आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन आपके पास क्या है रे, डिजिटल कैश। ओके, ये डिजिटल कैश मतलब ये फिजिकल फॉर्म ऑफ कैश नहीं होता, बस एक पर्टिकुलर डिजिटल कैश होता है जिसको हम एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं। डिजिटल कैश इज फॉर्म ऑफ ऑनलाइन करेंसी विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस बट इट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज एज अ रियल करेंसी इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है, डिजिटल कैश जिसको बोलते हैं। एंड लास्ट वन ई वॉलेट्स, ये चीज थी नहीं बट मैंने ऐड की है। ई वॉलेट्स मतलब ये डिजिटल करेंसी जैसा ही है बट होता क्या है, इसके अंदर आपको एक प्लेस होती है कि जहां पर आप पैसा स्टोर कर सकते हो। नाउअडेज ई वॉलेट्स आर मोर पॉपुलर मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स इन विच कस्टमर कैन ऐड मनी फ्रॉम देयर अकाउंट फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, दैट इज पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, भीम UPI है, भारत पे है, बहुत बहुत चीज है, ठीक है। ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट मैंने ऐड किया है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है। तो समझ में आपको पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रोसेस क्या क्या है, तीन प्रोसेस है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन उसके बाद में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड लास्ट वन पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे पहले सबसे सिक्योर अच्छा सा वे कौन सा है, COD कैश ऑन डिलीवरी, देन उसके बाद में क्या था याद करो चेक्स, राइट, चेक्स के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद में हम कर सकते हैं नेट बैंकिंग ट्रांसफर, उसके बाद में हमने यूज किया प्लास्टिक मनी, देन ई वॉलेट्स एंड वो क्या था वो साइबर करेंसी, ठीक है। सो ये सारी चीजों से हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं, समझ में आया होगा आपको प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन परचेस का, ठीक है। सो यहाँ पर दिया बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, सिंपल है, कुछ नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग वही प्रोसेस है ऑनलाइन परचेस का, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, वेदर इट इज ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब क्या, मामा की दुकान, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पर आप फिजिकली जाकर परचेस करते हैं। बट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस इज मोर ईजी एंड कन्वीनियंट ऑफ फॉर बायर एंड सेलर बोथ। बायर के लिए भी अच्छा है, सेलर के लिए भी अच्छा है। बायर कहीं पे भी बैठ के ऑर्डर दे सकता है, सेलर कहीं पे भी रहके भी ऑर्डर डिलीवरी दे सकता है, उसको शॉप होना जरूरी नहीं है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया था आपको, जो भी प्रोसेस है वो क्या थे, ये प्रोसेस बायर फाइंड सेलर, ओके, बायर चेक करेगा, वेबसाइट पे जाएगा, चेक करेगा सेलर कौन कौन है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स कंपेयर करके गुड्स सिलेक्ट करेगा, देन निगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन, निगोशिएशन ऑफ प्राइस, डिस्काउंट वगैरह है क्या नहीं वो चेक करना वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर सेल होगा, फिर पेमेंट एंड डिलीवरी, ओके, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है या फिर COD हो सकता है, डिलीवरी जैसे कि दिया है ऑनलाइन पेमेंट या फिर डिलीवरी एंड पेमेंट, ठीक है, मतलब COD भी हो सकता है फिर ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है। एंड लास्ट है पोस्ट सेल एक्टिविटी, सेल करने के बाद की अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है वो चीजें, पोस्ट सेल एक्टिविटीज, ठीक है। तो समझ में आपको बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। सो ये चीज थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिशनल होमवर्क है आपके लिए, ये तो सब कुछ आपको लिखना ही है, एज वेल एज जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, पेज नंबर है 105, सब कुछ दे रहा है यार, तो मेरे को बस देख के लिखने का, ओके, और अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो होमवर्क मुझे चाहिए, पूरा चाहिए, मैंने आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी बताया, मैंने आपको थ्योरी भी लिखा के दिया है इसकी, बहुत सिंपल है, होप्स आपको समझ में आए। देखो ये ऑनलाइन लेक्चर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बहुत ज्यादा आपको फायदा हो रहा है, आपको अगर डाउट आ रहा है ना तो आप वापिस देख सकते हो। लाइव लेक्चर में क्या होता है, मैं पता है आपको, मैं क्लास में बहुत ज्यादा टाइम पास भी करता हूँ बट मतलब समझ में भी आता है आपको, है ना। तो दूसरा ये है कि क्लास में एक बार बोल दिया, बात खत्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर है वो बार बार देख सकते हो, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, अभी भी आगे चल के रिवाइज करोगे तब भी। सिंपल है, बस लेक्चर देख लो, खत्म करो, लिटरली मतलब मैं भी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे को तो लर्न हो जा रहा है सब कुछ, ठीक है, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे भी लर्न हो रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि बहुत फायदा हो रहा है इसमें, ठीक है, मेरे टाइम पे क्यों नहीं था,
ओके तो आपको भी ये चीज समझ में आएगी, आपको ये जो अभी प्रोसेस वगैरह लिख के देना चालू है, देख के ही आपको समझ में लर्न होना आ ही जाएगा। अगेन पढ़ो अच्छे से, घर पे पढ़ो, स्टे होम स्टे सेफ, एंड लास्ट वन, जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होमवर्क वो भी करो, जो आपके फ्रेंड है उनको भी बोलो कि करो रे, क्या है 2 मिनट का काम है, घर पे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, क्या है 2-4 पेजेस लिखने को, आपको क्या जान पा रहा है, और फोटो भेजने का है, ओके इधर मेरा स्टोरेज भरना चाहिए सर, फटाफट होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीक, हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, BPO के साथ, ओके तब तक के लिए।